गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस पर। यहाँ पे हम इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में बात कर रहे थे, क्या हमने इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ मैं आपके सारे। अमन वर्मा, राधे कृष्णा, नोटिफिकेशन नहीं मिल रही थी क्या आपको? अभी तो नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो गई ना आपको। विवेक पांडे, गुड इवनिंग। अभी नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो गई होगी आपको। अब ब्रोकन वर्ल्ड कहाँ थे भाई? राम राम। ओके, ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेशन में आपको जो आपका प्रैक्टिस सेशन कराया जा रहा है, वो प्रैक्टिस सेशन आपको कराया जा रहा है PYQ बेस्ड पे, या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपके सबसे ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। किसी भी एग्जामिनेशन, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसमें भी आपके इंग्लिश की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, आर एस ठाकुर भी, आप भी कहाँ थे, एकदम बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, रितिका भटनागर, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए, PYQ मैं करा रहा हूँ। इसमें किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बार बार मैं कहता हूँ कि आप दो दिन आप, हाँ विवेक पांडे आपकी भी, आप लोग पंक्चुअल हो, आप लोग क्लासेस करते रहो, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं PYQ कराते हुए चल रहा हूँ आपको, ठीक है। PYQ में माधव, गुड इवनिंग। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को करना यह है कि आप प्रॉपर ढंग से क्लासेस देखते रहो। कब तक सर चैप्टर वाइज होगा? चैप्टर वाइज समझा नहीं परमेंद्र, आप समझा नहीं, आप बता दो कैसा चैप्टर वाइज कैसा। तो PYQ में मैं क्या करा रहा आपको, इसमें आपके कौन से एग्जामिनेशन के लिए, अपकमिंग SSC के कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, UPPCL के लिए, IB प्लस आपके जो AHC आपका हाई कोर्ट का जो पेपर होगा उसके लिए, जैसे सिलेबस है सिलेबस के हिसाब से आपका चलता रहेगा। सिलेबस के हिसाब से मैंने करा भी दिया है, फिर से मैं जैसे जैसे आपके एग्जाम हो जाएंगे वो भी मैं करवा दिया हूँ। चैप्टर वाइज तो मैंने करवा दिया है, ठीक ना। लेकिन क्या है कि अगर आपको वो देखना है तो चैप्टर वाइज मेरे प्रीवियस जितने भी आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस, आपके प्रैक्टिस सेशन में। तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ शॉर्ट फॉर्म ना, किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म। तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, कि बेसिकली आपके अलग अलग एग्जामिनेशन में आएंगे। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन आप लोगों को करने हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन आप एक काम करो, रोज आप एक एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते रहो। एक प्रैक्टिस पेपर आप ले लो अपना, जो भी आपको सही लगे, एक प्रैक्टिस पेपर मॉडल सेट जिसे कहते हो आप, किसी भी पब्लिकेशन का आप उठा लो, उस मॉडल सेट से आप प्रैक्टिस करते रहो। बाकी मीनिंग सफिशियंट होगी, मीनिंग जितना मैं करा रहा हूँ लगभग वो प्रीवियस ईयर का ही मीनिंग है, लगभग आपके कॉम्पिटिशन के लिए वो मोर देन सफिशियंट है। अभी क्या है कि अभी अगर आप एक CGL दे रहे हो, आप CGL का एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपको एक बुक मतलब एक बुक या जो भी आपको फॉलो करने हैं, तो उसमें आपको अगर आपने फॉलो करने किसको, रीजनिंग की क्लास और ये क्लास सेम टाइम पे है। ओके, ये क्लास सेम टाइम पे है, इस क्लास अभी में, तो बाद में आप देख लिया करो, अगर अभी नहीं है तो बाद में इसको देख लिया करो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप उसको क्या करो, एक कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, ये वीडियो बाद में अगर आप देख रहे हो, तो अगर आपकी कुछ टाइमिंग थोड़ी सी अगर दिक्कत आ रही है टाइमिंग की किसी की भी, तो आप उनको मिक्सअप कर लो। एक अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए, उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो एक कमेंट के थ्रू, बाद में मैं देख लूंगा, मैं बाद में सारी चीजें कर लूंगा, मैं बाद में उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सारी चीज लगभग मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं यहां पे, कि फिर बाद में किसी को ऐसा ना हो समझ ना आए। तो यहां पे अगर आप दे रहे हो तो UPPCL के लिए, लोगों के लिए मैं बता दूं, आप यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का कुछ ले लो आप प्रैक्टिस पेपर, उस प्रैक्टिस पेपर को बार बार सॉल्व करते रहो, ठीक है। उन सारी चीजों को सॉल्व करते रहोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर CGL का एग्जामिनेशन दे रहे हो आप, तो इंग्लिश के लिए आप MB पब्लिकेशन की बुक ले लो, उससे बार बार सॉल्व करते रहो। और ये भी आपका जो
प्रेपोजिशन की लिस्ट, हाँ देखो प्रेपोजिशन की लिस्ट मैं कर दूंगा मंडे से ट्यूसडे के बीच में आपको मिल जाएगा। फिक्स प्रेपोजिशन की मैं लिस्ट दे दूंगा, वो आपको टेलीग्राम इसी आपके इसी ऐप के इसी परीक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको प्रेपोजिशन की क्लास, या प्रेपोजिशन जो फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं वो मंडे या ट्यूसडे को मिल जाएगा, ठीक है वो मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल, आप जितना करो जितना करो, और बाकी ये मेरा सेशन लेते रहो, अगर आपने यूथ कंपटीशन का कर लिया तो बाकी ये सेशन लेते रहो, यही प्रैक्टिस करते रहो। एक बुक को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लो, 10 बुक 10 बार नहीं, एक बुक को जितनी बार पढ़ोगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा, आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे, बहुत अच्छा अप्रोच लगाओगे उसमें, ठीक है। आज का जो है ये सेशन है, और आज के फिर 25 क्वेश्चन के सेशन हम करेंगे, हम 25 क्वेश्चन के सेशन को सॉल्व करेंगे आज। इस 25 क्वेश्चन के सेशन को सॉल्व करते हुए हम चलेंगे आगे, इनमें थोड़ा सा हम आगे देखते हुए चलेंगे क्या है क्वेश्चंस, कैसे हैं क्वेश्चंस। आपको नाम तो मेरा पता ही है, सबको मैं बताते हुए चल रहा हूं, सर्वेश त्रिपाठी नाम है मेरा, मैं सारे क्लासेस आपको यहीं पे देता हुआ चल रहा हूं, इंग्लिश की क्लासेस मेरी प्रॉपर चल रही है आपकी, तो आप लोग चलिए यहां पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके चलो लेट्स डू इट। क्या है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, हाँ मैराथन ले लो आपके, आप आर्य ठाकुर शायद आप सीजीएल के लिए हो ना, आप सीजीएल के लिए हो ना, तो अगर आप सीजीएल के लिए हो तो सीजीएल नहीं सॉरी आप यूपीपीसीएल के लिए हो तो आपके यूपीपीसीएल के लिए मैं मैराथन ले लूंगा, आप रिलैक्स रहो कोई इशू नहीं। ओके चलो क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ढूंढना है। मॉडेस्ट, बहुत ही मॉडेस्ट आदमी है ये आदमी कैसा है, बहुत ही ज्यादा मॉडेस्ट है, और अगर ये आदमी मॉडेस्ट है तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है, विनम्र होता है, अगर विनम्र होगा तो क्या होगा, हम्बल होगा, क्या होगा आंसर आपका, हम्बल होगा। बोस्टफुल मतलब होता है घमंडी, घमंड, बोस्ट मतलब होता है घमंड, घमंडी, ठीक है। ये जो वर्ड है ना एक नया वर्ड है, आप इस चीज को देख लो, इस चीज को आप देख लो क्या होता है, डॉर का मतलब क्या होता है, टस से मस ना होना, स्थिर होना, एक जगह मतलब एक जगह क्या हो जाना, एक जगह फिक्स हो जाना, टस से मस ना होना, एक जगह स्थिर हो जाना, ठीक ना। ग्रेव, ग्रेव, ग्रेव क्या है, हाँ यूपीपीसीएल का पता है, मैंने बताया यूपीपीसीएल के लिए आप हो, ठीक है कोई इशू नहीं, आप देखते रहो उस चीज को। ओके यहां पे क्या है, ग्रेव का मतलब होता है, ग्रेव का मतलब होता है भयानक, ग्रेव का मतलब क्या होता है, भयानक, और ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, ना ना कॉफिन प्लेस, वो ग्रेवयार्ड है, अच्छा ग्रेव कॉफिन प्लेस, ठीक है। यहां पर क्या हो जाओगे, क्या कर दोगे आप इसको, ग्रेव का क्या कह दोगे, ग्रेव का आप क्या कह दोगे, ग्रेव को आप भयानक कह दोगे, भयानक, हॉरिड, हॉरिड कह सकते हो इसको, हॉरिड क्या हो जाएगा आपका, हॉरिड। ओके ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म में करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में करना है, मैं जूम करता हूं इसको, अब आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट, क्या है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट क्या है यहां पे, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टू द गिवन सेंटेंसेस क्या है, आवर प्रिंसिपल सेज सेज रूल्स आर टू बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट, आंसर क्या होगा इसका, आंसर करके बताएं इसका, ए बी सी डी में आंसर कौन सा होगा इसका, ए बी सी डी में इसका आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी में इसका आंसर कौन सा होगा, पीपी सिंह बस एक काम करना, इस सेंटेंस को देते हुए ध्यान रखना, इस इनडायरेक्ट को देते हुए ना, सिमरन, पीपी सिंह, विवेक, सबको मैं कह रहा हूं कि इस सेंटेंस को देते हुए बस इतना ध्यान रखना कि थोड़ा सा रूल्स को ना, थोड़ा सा आप रूल्स को देख लेना, थोड़ा सा समझ लेना क्या है, बस इतना समझना कि ये जो चीज है ना, ये आपका क्या है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट में है, तो ध्यान रखना इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल प्रोनाउन में चेंजेस होगा, बाकी किसी चीज में चेंज नहीं होगा, स्पीच प्रेजेंट में है तो बाकी चीजें प्रेजेंट में चलेंगी, आर आर टू बी, और प्रोनाउन कहीं यूज है, प्रोनाउन कहीं पे भी यूज नहीं है, बस वही आपको उतारना है, वही चीज आपको उतार देना है,
ठीक है, एडवाइज्ड का कोई मतलब नहीं है, टोल्ड का कोई मतलब नहीं है, सेड का कोई मतलब नहीं है, आंसर। आगे बात समझ में, किसको समझ में नहीं आया ये चीज, किसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ ले ये चीज किसको समझ में नहीं आया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ा थोड़ा जो ट्रिक है ना, ये थोड़ा थोड़ा ट्रिकी जो क्वेश्चंस है ना, जैसे आपने अभी क्या है ना कि सेज चेंज इन सेज, बिल्कुल सेज, देखो क्या है, अभी एक बात बताऊं मैं, अगर सेज टू होता ना तो भी आपका सेज टू में ही बदलता, सेड टू होता, सेड टू होता तो भी आपका किस में बदलता, सेड में टू में ही बदलता, टोल्ड में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं बदला है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेज चेंज इन सेज, ओके हो जाएगा बिल्कुल द आवर प्रिंसिपल, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन से इसको क्या करना है आपको फिल करना है। आंसर देख लो क्या, क्वेश्चन देख लो क्या है कि देविका इज द मोस्ट डैश ऑफ देम ऑल एंड ऑफ देम ऑल, सब में क्या है मोस्ट, क्या है वो सब में क्या है मोस्ट, क्या है वो, आसान सा है ये क्वेश्चन, तो आसान है, बिल्कुल आसान है, सब कर ले जाएंगे। आंसर करिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, इसमें आपको दो वर्ड मिले होंगे, आपको दो वर्ड मिले होंगे, एक इंसॉलेंट, इंसॉलेंट का मतलब क्या होता है इसको देखते हुए चले, इंसॉलेंट का मतलब आप समझ लें, इंसॉलेंट का मतलब होता है बदतमीज, ठीक ना, इंसॉलेंट का मतलब होता है बदतमीज, ऑडेसियस का मतलब भी वही होता है, ऑडेसियस का मतलब होता है जिद्दी, तो यहां जिद्दी का कोई अर्थ नहीं है, सिंपल साधारण का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि सिंपल आपका बेसिक एक तरह से कहें तो सिंपल आपका क्या है पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, इंटेलिजेंट आपका मोस्ट हो जाएगा, तो मोस्ट इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। आगे बात समझ में, आंसर क्या मिल गया, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है मोस्ट इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही में आया, सारे लोगों को समझ में आ रहा है ये, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, ओके चलो लेट्स नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं आप। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि एरर आपको फाइंड करने हैं, एरर क्या फाइंड, इफ देयर इज नो एरर, यहां से है सेंटेंस, देखना ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, देख लेना कोई दिक्कत नहीं, यहां से आपको करना है देयर आर वेरी लिटिल पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर बोल्ड एनफ टू डिफाई, टू डिफाई ये अलग अलग है, टू डिफाई सोशल कस्टम्स, डिफी 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 मतलब डिफाई, डिफी डिफी डिफाई जो भी कह दें आप, कहां पे, वेरी गुड वेरी गुड, इसलिए क्योंकि लिटिल जो होता है वो लिटिल का मतलब होता है क्या, लिटिल का जो यूज होता है वो है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ, बेसिकली इनका ये जो लिटिल होता है वो होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ, वो होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्या होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसके अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, और जो फ्यू होता है वो फ्यू किसके साथ यूज किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, तो फ्यू क्या हो जाएगा, फ्यू आपका पीपल हो जाएगा, फ्यू ये आपका काउंटेबल नाउन है इसलिए फ्यू का यूज काउंटेबल के साथ, और फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, और फ्यू का मतलब होता है कुछ सम, और द फ्यू का मतलब होता है जितना भी। आगे बात समझ में, यही सेम पैटर्न चलता है किसमें, लिटिल अ लिटिल द लिटिल में, वेरी गुड, सबका आंसर बहुत सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर क्या मिल गया आपका ए, चलो बढ़िया है। और फिर से मैं बता दूं कि आप क्वेश्चन करो तो फिर से, इससे पहले मैं बता दूंगा आपको कि क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का लेबल यही रहेगा, यही रहेगा और यही करके आना है आपने, क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का लेबल यही रहेगा और इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, आई होप ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए वाले पार्ट में एरर है, ए वाले पार्ट में एरर है, बिल्कुल ए वाले पार्ट में एरर है, कहां पे है ये आपका ए है, पता ही है आपको इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, एन होगा, आई थिंक एन एनिमल इज इन द, ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूं ना, ये तो आसान सा था, बिल्कुल 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 ओके okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है कि इसमें आपका क्या करना है कि इसमें आपको करना है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। अब देख लो आंसर कहां पे होगा, कहां से आपको करना है। चलो यहां से लेकर के यहां तक वाले पार्ट में आपको एरर फाइंड करने हैं। फाइंड करो आप। कह रहा प्रिया हैड स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट ऑल ऑड्स एंड सक्सीड इन मीटिंग हर गोल्स इन लाइफ। देखो एक चीज समझ लो, मैं बता रहा हूं उसको, थोड़े अच्छे से समझ लो इस चीज को। आपको पता है कि वर्ब का जो वर्ब में मैंने आपको अच्छे से उसको डिफाइन करके, एक मिनट आप यहीं पे थोड़ा सा होल्ड कर लो, मैं बता देता हूं इसको, इस टॉपिक को बता देता हूं, मैं समझा देता हूं, फिर इसको आप आगे चल के क्या करोगे, आप उस चीज को आप समझ लो। देखो क्या है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या होता है कि आपको जब आपने पढ़ा होगा वर्ब के बारे में, तो वर्ब की दो कैटेगरी होती थी। पहला होता था आपका, एक होता था आपका प्राइमरी वर्ब, एक होता था मेन वर्ब ना। मेन वर्ब में प्राइमरी वर्ब की बात करें तो उसमें आपका बी हैव और डू की बात करते थे। जिसमें आपका बी हैव डू की बात करेंगे तो बी आपका क्या होता था, इज एम आर वाज वेर होता था, इज एम आर वाज और वर होता था, ठीक है, इज एम आर वाज वर। इसमें हैज और हैव होता था, हैज हैव और हैड। आपको पता है सारे लोगों का मैं डिफाइन नहीं करूंगा। ओके गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके चलो यहां पे क्या है, डू हो जाएगा आपका, डू और डज और डिड। आगे बात समझ में, यहां थोड़ा इस चीज को समझ लो आप, ठीक है। क्या होगा इसमें, थोड़ी सी इस चीज को समझते हुए चलोगे आप तो थोड़ा सा बस इस चीज को समझो क्या है कि जब मैं बताया था आपको कि आपको पता है कि ये जो वी हैव डू है ना, ये आपका डुअल फंक्शन करता है। डुअल फंक्शन मतलब, डुअल फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये आपका एक मेन वर्ब की तरह भी काम करेगा और एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह कह सकते हो। किसकी तरह, आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा और मेन वर्ब की तरह काम करेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जब हेल्पिंग वर्ब में ये बी की तरह काम करेगा तो किसी की, जैसे कहते हैं ना, मेन वर्ब क्या बताता है आपका, किसी की स्टेट बताता है। वो स्टेट बताएगा कि कौन सी चीज किस स्टेट में है, किस अवस्था में है, किस पोजिशन में है, तो ये मैं बता रहा यहां पे। और हैव और हैड का मतलब होता है रखने के अर्थ में बताएगा, कोई चीज आप रख रहे हो, किसी चीज पे पोजीशन शो कर रहे हो, किसी चीज से रिलेशन आप शो कर रहे हो, तो वो पोजीशन के अकॉर्डिंग बताएगा। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये पोजीशन की बात कर रहा है क्या, हैड स्ट्रॉन्ग एनफ, रखती है टू फाइट, नहीं। अब देखो इसको बताना है अपनी स्टेज, अपनी स्टेट बतानी है। अपनी स्टेट बताओगे तो क्या करोगे, यहां पे जो हैड है ना इसको वाज में चेंज करोगे, ये बताएगा स्टेट क्या बताएगा। और देखो टेंस मत चेंज कर देना, पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में ही रखना, टेंस मत चेंज करना। क्या हो जाएगा, प्रिया वाज स्ट्रॉन्ग एनफ, क्या है बहुत ज्यादा, क्या है स्ट्रॉन्ग एनफ है, किस लिए स्ट्रॉन्ग एनफ थी, क्या टू फाइट ऑल ओड्स, अपनी हर बुरी या परिस्थिति से क्या करने के लिए, लड़ने के लिए। बस इसमें देखना यह है कि जो बी हैव डू होता है वो डुअल फंक्शन करता है, मेन वर्ब की तरह भी करता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करता है। और अगर मेन वर्ब की तरह करेगा तो उस किसी भी नाउन या प्रोनाउन की स्टेज के बारे में बताएगा, उसके स्टेट के बारे में बताएगा कि नाउन और प्रोनाउन काम कैसे कर रहा है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, ये पूरा आप तरीके आपको पूरा क्लियर होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ लें, समझ में ना आया हो तो ये पूछ लें। बस इतना सा समझना है कि कोई भी अगर बी हैव डू के फॉर्म में होता है तो वो मेन वर्ब की तरह काम करता है, डुअल फंक्शन करता है, मेन वर्ब की तरह भी काम करेगा और एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करेगा। तो किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लें, फिर से मैं इसको अच्छे से डिफाइन कर दूं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। ओके बढ़ जाऊं आगे ना, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो।
स्टेट बताए तो वर्ब चेंज कर दे। हाँ अरे स्टेट नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि जब हैड की बात करेगा तो हैड क्या है, हैड पोजीशन। मैंने बताया ना अगर हैड मेन वर्ब की तरह काम करेगा पास्ट में तो हैड का मतलब होता है पोजीशन शो करना। हैड क्या करेगा, पोजीशन शो करेगा, और पोजीशन शो करेगा तो आपको पता है, पोजीशन शो करेगा तो आपको पता है, ठीक है, पोजीशन शो करेगा तो आपको पता है आंसर क्या हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लो क्या है, आपको क्या करना है, ये है आपका इज एम आर, और आपको पता है इज एम आर के बाद अगर वर्ब की चौथी फॉर्म है तो बदलेगा किसमें, इज एम आर किसमें बदलेगा, बदलेगा ये इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगा। आंसर कौन सा है बस देख लो आप, सी, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर सी, ओके वेरी गुड, क्या बन जाएगा, द होमलेस आर बीइंग प्रोवाइडेड शेल्टर, ओके वेरी गुड वेरी गुड। डू डज डिड क्या लगता है, डू डज डिड के बारे में बस इतना जान जाओ, बी हैव डू का क्या होता है, डू जो फंक्शन करता है आपका ना, डू देखो मैं बता देता हूं, किसी काम को किसी स्टेज को बताने, किसी काम को करने की बात बताएगा, अगर प्रेजेंट में करने की बात बताएगा तो डू क्या होगा, प्रेजेंट में करने की बात के बताएगा तो क्या होगा आपका, डू होगा। देखो किसी काम के करने की स्टेज बताएगा, ठीक है ना, आई डू माई बेस्ट या फिर आई डिड माई बेस्ट, ऐसे कर देते हैं, ठीक ना, तो ये इस आदमी का आई डिड माई बेस्ट बता दिया तो उसने क्या किया, आई डिड माई बेस्ट क्या कर दिया इसने, इसने जो डिड किया ये एक्शन किया, और एक्शन में क्या किया इसने, इसको क्या बताया, इसकी स्टेज बताई, इसने क्या किया, ये स्टेज में क्या है, इसने अपना बहुत बढ़िया मतलब बेस्ट किया, ठीक ना, इस तरह से इसका क्या हो गया आपका, ये पास्ट में हो गया, ये पास्ट में, बस डू डज डिस एक्शन बताएगा और किसी चीज की स्टेट बताएगा कि वो कर क्या रहा है, यही मेन वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब का यही काम होता है ना कि वो एक्शन बताता है। देखो मैं एक तरह से फिर से समझा दे रहा हूं आपको, क्या है कि डू डज डिड हो चाहे बी हैव डू में किसी का हो, इज एम आर वाज वर हो, वाज वर आपको पता है कि पास्ट में चलता है, इज एम आर पता ही है प्रेजेंट में चलता है, डू डू और डज क्या होगा, अगर इन सारे चीजों की बात करें तो बस दे किसमें चेंज होगा, दे मतलब दे कहां है, अरे कोई जरूरी, देखो कभी कभी क्या होना है सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, यहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है तो उसको आप लेके नहीं चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है माधव, सब्जेक्ट यहां पे जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है ना वो अंडरस्टूड मान लिया जाता है, ठीक है, देम में बदलेगा लेकिन ध्यान रखना वो अंडरस्टूड है यहां पे, द क्या हो जाएगा, द होमलेस आर प्रोवाइडेड शेल्टर बाय देम, यहां पे अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड मान लिया जाता है, ठीक ना, इसलिए इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, देम कहीं मत देखो आप, ठीक है, अगर देम रहता तो आगे सोचते, देम नहीं है तो अंडरस्टूड है, ओके मैं बता रहा था कि इज एम आर वाज वर के बारे में बता रहा था कि जब भी ये करेंगे तो ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, और मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कब करेंगे, मेन वर्ब के साथ अगर इन ये किसी मेन वर्ब की हेल्प करेंगे तो वह मेन वर्ब की तरह हेल्प करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह हो गए, और मेन वर्ब की तरह काम करेंगे तो बस इतना ध्यान रखना कि उस नाउन या प्रोनाउन का एक्शन बताएंगे, उस नाउन प्रोनाउन की स्टेज बताएंगे, जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, अब ये जो आदमी है इसकी इसकी स्टेज बता रहा है ना, इसका काम बता रहा है, क्या बता रहा है कि ये टीचर है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, यही डू डज डिड है, डू मतलब करना, बस वही काम के करने की बात बताएगा, सके क्लियर हो गया आपको दर्पण, ओके चलो यहां पर देखो ये क्या है मोस्ट अप्रोप्रिएट, अच्छा idioms, ये आपका idioms है, ठीक ना, ये आपका idioms है, इस idioms को आप क्या करोगे, इस idioms को आप क्या करोगे, इसकी मीनिंग बताओ, आप आंसर बताओ, मीनिंग बताओ, कह रहा है टू हैव सेम ब्रीथ, टू हैव सेम ब्रीथ, जो सेम ब्रीथ हो, सेम ब्रीथ हो, वेल बिल्कुल दर्पण, बिल्कुल सही आंसर, एकदम सेम स्टेटमेंट होगा, क्या हो जाएगा, इन द सेम स्टेटमेंट, बिल्कुल अपनी ही सेम स्थिति में, बिल्कुल सेम कथन की स्थिति में, टू हैव सेम ब्रीथ, एक ही सांस, सेम, बिल्कुल सही आंसर, क्या हो जाएगा, इन द सेम स्टेटमेंट, बहुत सही आंसर सब लोग,
क्या हो जाएगा सबका आंसर? बिल्कुल सही, दर्पण, शफी, अमन, रूपाली, सिमरन, सब लोग बहुत, रितिका, आकृति, विवेक, बहुत सही आंसर, सभी लोगों का बहुत सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया। आंसर करें इसका, इसका आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें, द न्यूज फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें, द न्यूज फ्रॉम, द न्यूज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब, ग्लोब के इस पार से उस पार, चलो ठीक है, वर नॉट इंक्रीजिंग, आंसर तो मिल ही गया होगा, आई होप आंसर मिल गया होगा सबको। बिल्कुल सही, न्यूज क्या है आपका, न्यूज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और न्यूज अनकाउंटेबल है तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वाज होगा, क्योंकि आपको नाउन, अपने नाउन में पढ़ा था कि कोई भी नाउन, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर काउंट होता है, क्या हो जाएगा, वाज नॉट इनकरेजिंग। ओके, वेरी गुड, आसान था। चलो नेक्स्ट देख लो, ये बी हार्ड अप, बी हार्ड अप, ये आपका इडियोम्स है, इसका मीनिंग बता दीजिए, बी हार्ड अप, बी हार्ड अप, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी बता दें, बी हार्ड अप, हार्ड अप मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ, किसी चीज में कठिनाइयां किस में है, कठिनाइयों से भरा हुआ, हार्ड अप का मतलब होता है पैसे की बहुत ज्यादा कमी, तंगी, पैसे की बहुत ज्यादा कमी या तंगी, आकृति, नॉट ए सॉर्ट ऑफ, मतलब किसी चीज की कमी, हार्ड अप का मतलब होता है कमी, और कमी में मतलब ये जान लेना आप, पैसे की, लैक ऑफ मनी, बी हार्ड अप का मतलब क्या हो जाएगा, बी हार्ड अप का मतलब हो जाएगा सी सॉर्ट ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी। ओके, क्लियर है सबको, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसमें, करेक्टली स्पेल्ड, अच्छा इसको करेक्टली स्पेल्ड कर दो आप, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको करेक्ट स्पेल्ड करके बताओ, कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है इसमें से, कौन सा वर्ड जो है करेक्ट लिखा हुआ है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अरे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रुक क्या कर रहे हो आप लोग, ये करेक्टली स्पेल्ड, और ट्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है, ट्यूशन, टी आई ओ एन, अब समझ में आया कहां आंसर मिला आपको, टी यू आई टी आई ओ एन, ट्यूशन, ठीक है, इंप्रूव कर लो, मतलब कहा ना मैंने ज्यादा तेजी में नहीं, देखो क्या होता है कि पेपर अगर आसान आया तो गलतियां होने की सबसे ज्यादा चांसेस होती हैं, एक बात जान लेना। ओके, अब आया समझ में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी, नहीं स्पेल वाला गलती नहीं होगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप करोगे, आंसर मिल जाएगा आपको। अब मैं मंडे को सोच रहा कि अपना जिसमें मेरा, जिसमें मेरे एसएससी वाले में सिलेक्शन हुआ, मैं वो पेपर कराऊंगा आपको, 2016 वाला एक पेपर मैं कराऊंगा, थोड़ा सा पेपर ठीक ठाक था प्री का, उसको मैं कराऊंगा, देखते हैं उसको कराऊंगा, मैं उसको कराऊंगा तो देखते हैं, उसमें थोड़ा सा अच्छा पेपर था, पेपर अच्छा था, 2015 वाला पेपर भी अच्छा था मॉर्निंग इवनिंग का, 2016 वाला भी पेपर, वो सब था ठीक ना उसमें जिसमें मैं, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ मन सही है, ठीक है चलो यहां पे करते हैं, क्या है कि वी डिड नॉट एक्सपेक्टेड, क्या है, वी डिड नॉट एक्सपेक्टेड हर टू बिहेव लाइक दैट, ओके बिहेव लाइक दैट क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द बॉस, क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द बॉस, आंसर वेल, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बताया था मैंने अभी, वी हैव डू का अभी चर्चा हो रहा था, वी हैव डू में डू डज डिड, डू हुआ डज हुआ डिड हुआ, डू हुआ डज हुआ डिड हुआ, इसमें क्या होगा आपका वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, जैसे मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ठीक ना, मॉडल के साथ भी आपका, यहीं पे आप उस चीज को भी मेंशन कर लो, मॉडल जो होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसी तरह से डिड नॉट एक्सपेक्टेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेक्ट होगा,
ओके, डिड नॉट एक्सपेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया सारी चीजें? अभी ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इसमें क्या करना है आपको? एंटोनिम देना है, रेज। एंटोनिम देना है, रेज मतलब क्या होता है? रेज का मतलब होता है नष्ट करना, तोड़ना। अब आप मीनिंग ढूंढ लो, तोड़ना या नष्ट करना, तोड़ना या नष्ट करना। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर करो आप। आंसर क्या बनेगा? डिस्क्राई। अगर डिस्क्राई आंसर कर रहे हो तो डिस्क्राई का मतलब होता है अनुभव लेना। तो आप इसको हटा दो। इनकम्बर का मतलब क्या होता है? इनकम्बर का भी मतलब समझ लो। इनकम्बर होता है किसी चीज में हिंडर करना, मतलब बाधा डालना। बहुत अच्छी अच्छी मीनिंग है इसमें, हिंडर। ठीक है, फॉर्ज। फॉर्ज मतलब होता है गढ़ना या बनाना। लोहार, लोहार की दुकान भी होती है, लोहार की दुकान भी होती है, इसको बोलते हैं फॉर्ज। और कंसीड का मतलब क्या होता है? कंसीड का मतलब बताओ आप लोग। कंसीड का मतलब आप लोग बताओ। पढ़ा दिया है मैंने, कंसीड का मतलब बताओ। कंसीड का मतलब बताओ, मैंने पढ़ा दिया गया है। बिल्कुल सही मनीष, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14 आगे करें। चीट चीट करना भी, चीट करना एक तरह से हो सकता है सफी, सही है, बिल्कुल ठीक है। ओके चलो, कष्ट नहीं। अब ये देख लो आंसर इसका क्या हो जाएगा। लेट, लेट कौन लेट है? हाँ रितिका, बिल्कुल सही, बिल्कुल कष्ट, हाँ कह सकते हो, बिल्कुल। ओके चलो, क्या है? इवेड। इवेड मतलब क्या होता है? बचकर निकलना। वेरी गुड, बचकर निकलना। इवेड का मतलब होता है बचकर निकलना। इवेड का मतलब होता है बचकर निकलना। और बचकर निकल रहे हो आप तो, बचकर निकल रहे हो आप तो क्या होगा आंसर? इवेड का मतलब होता है बचकर निकलना। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? इवेड का मतलब होता है बचकर निकलना। एवॉयड मतलब बचना, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना। कन्फर, कन्फर का मतलब क्या होता है? इसका ध्यान, कन्फर मतलब होता है प्रदान करना। कन्फर मतलब होता है प्रदान करना, देना देना। इवेड मतलब बचकर निकलना, तो बचकर निकलोगे आप किसी परेशानी से, तो परेशानी से आप बच के निकलोगे। परेशानी से बचकर मत निकलो, परेशानी को क्या करो? कन्फ्रॉन्ट करो। वेरी गुड, परेशानी को क्या करो? कन्फ्रॉन्ट करो, मतलब सामना करो। अगर आपको मीनिंग टफ लग रहा है, मीनिंग अगर आपको टफ लग रहा है, तो आप मीनिंग से भागो नहीं, उसको क्या करो? कन्फ्रंट करो। डोंट इवेड क्या हो जाएगा? द सेक्शन ऑफ वोकैब, वोकैब सेक्शन स्ट्रॉन्ग करने का मैंने आपको तरीका बताया ना। देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, आप इसको एक बार अप्लाई करके देख लो 10-12 दिन, आपको खुद असर दिखेगा। वोकैब सेक्शन के सबसे बड़ी चीज है वोकैब सेक्शन को रिस्टोर और प्रिजर्व करने का। अगर आपने आज 10 वर्ड तैयार किया, अगले दिन भी 10, अगले दिन भी 10, अगले दिन भी 10, और यहां पे जब 10 आए ना, तो ये पीछे का भूलता हुआ जाता है। तो बस इतना ध्यान रखो कि जब भी इन 10 में आओ ना, अगले दिन का जब भी ये वोकैब का सेशन आपका हो ना, तो इन 10 को याद करने से पहले 5-7 मिनट इसके लिए दे दो। यार 10 का रेशियो है, बस बस इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, इस चीज को करते जाओ। एक एक दिन आप अगर इस चीज को करते जाओगे, तो आप खुद देखोगे 10-15 दिन बाद आपको इन वर्ड्स को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक बार देखते जाओगे, आपको मिलता जाएगा। रिवाइज भी, बस रिवाइज। देखो भूलना बहुत जरूरी है, पहली चीज। अगर नहीं भूलोगे तो पागल हो जाओगे ना। भूलना जरूरी है आप इस चीज को। अभी हम उसी स्टेज में नहीं है कि रट के याद कर लें। स्टेज में क्या है, लड़के अभी बच्चे नहीं है ना हम,
कि रट के याद कर लें चीजों को, तो रट के याद नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, उस चीज को प्रिजर्व कर सकते हो, रख सकते हो कि आपके सामने आए तो वो मीनिंग आप क्या कहे। बस यही एक तरीका है, यही एक सॉलिड अप्रोच है कि आप इस चीज को करते रहो, सेंटेंस में फॉर्म करो, जैसे आपको इजी लगे। आपको अगर सही लग रहा है आपको लिख लिख के याद करने की, उससे करो, सेंटेंस में फॉर्म करके करो, जैसे आपको सही लगे, ये सारी चीजें आप करते हुए चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 15 वे क्वेश्चन, वही एक तरीका है, उस चीज को करो। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं भी तैयारी जब करता था तो मैं भी ऐसे ही करता था, मैंने भी ऐसे ही किया था। मैं तो बहुत ज्यादा लिख लिख के, और जान जाओ जब क्लियर, अब तो क्लियर हो गया ना, जब जब चीजें कब आगे बढ़ेंगी ना, देखो क्या होता है कि मैं हम लोगों में तो मीनिंग की तैयार करने की इतनी धुन सवार थी ना, कोई भी चीज दिखता था ना तो इसकी मीनिंग क्या हो सकती थी, इसकी मीनिंग क्या होगी। उस समय एक रिवॉल्यूशन आया था, हम लोगों का जब एग्जाम चलता था तो उस समय एक रिवॉल्यूशन आया था एमबी पब्लिकेशन की बुक की, और एमबी पब्लिकेशन की बुक की जो मीनिंग याद कर लेता था, मान के चलो एग्जाम क्रैक। तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा उसी को करा था, जितना ज्यादा आप मीनिंग तैयार करोगे आंसर मिलता जाएगा। चलो आंसर करते हैं। सुजाता शेयर्ड V2 है, V2 आपके वाज या वर में बदलेगा, वाज या वर या वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर या वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगी। कहां पे है बस इतना ध्यान दे दो, वाज या वर वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगी। कैन बी का कोई मतलब नहीं, हटाओ इसको, ये भी हटा दो। ऊपर देख लो आर बींग है, ये भी हटाओ, आंसर मिल गया आपका बी। ओके, आंसर मिल गया ना आपका बी। अभी भी एमबी ही, अभी भी एमबी, एमबी एमबी क्या है ना कि देखो किसी भी क्वेश्चन का पैटर्न, किसी में किसी भी क्वेश्चन 2000, अब किसी भी कंपटीशन की बात करें, देख लो एक मैं एक सिंपल सी बात बता दूं तो किसी भी कंपटीशन में आपको मैं बार बार कहता हूं कि कम से कम 70-80% क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो PYQ से होते हैं, और 70-80% अगर जो PYQ है, अगर आपने वो गलत नहीं किया, अगर आपने वो गलत नहीं किया तो आप बिल्कुल सही कर ले जाओगे ना इस चीज को। तो PYQ पे इसलिए क्यों फोकस किया जाता है बार बार कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कम से कम गलत ना करें। बाकी अगर आपको बेसिक, अगर इंग्लिश के बारे में, बेसिक इंग्लिश के बारे में, ग्रामर के बारे में समझना है, ग्रामर के बारे में जानना है, SP बक्सी बेस्ट बुक मानी जाती है, ग्रामर उसके बारे में समझो, फिर उसके बाद से अगर आप करोगे तो यहां पे आपके मीनिंग के लिए, आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए सबसे बेस्ट होती है MBA की, या फिर आप किरण का ले लो। MBA मैं तो MBA को फॉलो करता हूँ, MBA को बेस्ट समझता हूँ, एररलेस होता है, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। पीपी सिंह, मैं करता था 2013 से लेकर के 2015-16 तक किया था मैंने, 2013 से 16 के बीच में मैंने की थी तैयारी, उसके बाद नहीं किया था, उसके बाद पढ़ाई छूट गई, फिर करने का मतलब ही नहीं बना। चलो यहां पे क्या है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, क्या है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, क्या हो जाएगा द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड द फेनोमेनन। देखो फेनोमेनन आया ना, ये आपका एक वर्ड है, फेनोमेनन क्या होता है, फेनोमेनन आपका क्या है, एक लैटिन वर्ड है, इसका प्लूरल कैसे बनता है, फेनोमेना बनता है, ए लगा देते हो आप, फेनोमेना बनता है। सिस्मोलॉजी, वेरी गुड, सिस्मोलॉजी बन गया। पहले तो स्पेलियोलॉजी क्या होता है, स्पेलियोलॉजी क्या होता है, स्पेलियोलॉजी का मतलब समझ लो आप, स्पेलियोलॉजी फंबल हो जाता है मेरे से भी, स्पेलियोलॉजी मतलब क्या हो जाता है, गुफा मतलब केव, स्टडी ऑफ केव, केव ठीक ना, स्टडी ऑफ केव स्पेलियोलॉजी होता है। ओके, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी क्या होता है, पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ क्या कह सकते हैं, स्टोन पत्थरों का अध्ययन, स्टोन पत्थरों का अध्ययन होता है। ओके, और ये क्या, सेरिकल्चर आपको पता है, रेशम, रेशम का उत्पादन जो होता है, रेशम का स्टडी ऑफ क्या कहते हैं, रेशम को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पेशली फॉर SSC, यस बिल्कुल स्पेशली फॉर SSC, बिल्कुल स्पेशली फॉर, लेकिन क्या है ना कि पैटर्न तो सेम ही रहता है ना, पैटर्न तो सेम ही रहता है ना सारी चीजों का। सिल्क, वेरी गुड, रेशम का सिल्क होता है, स्टडी ऑफ सिल्क। ओके, मेरे से मिस हो गया था, कोई इशू नहीं, सिल्क आ गया। ओके,
क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, चलो देख लो इसको। आपने विवेक पांडे आपने नहीं डाला हुआ क्या एसएससी का भी फॉर्म? जो एसएससी का फॉर्म, आप लोग इतने अच्छे कैंडिडेट हो गए एसएससी का फॉर्म, आप में सारे लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, आप लोगों ने सीजीएल का फॉर्म ही नहीं डाला क्या? सभी लोग, सफी खान हो गई, आकृति हो गई, रूपाली हो गई, सब लोग आंसर बहुत अच्छा कर रहे हो, सिमरन हो गया, तो फिल किया है तो फिर तो क्या दिक्कत है, फिल किया तो फिर दो एग्जाम, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। पीपी सिंह हो गए, अगर मनीष हो गए, ये सारे लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग। अवार्ड, अवार्ड का मतलब क्या होता है? अवार्ड देखो दो डालना चाहिए था, डालना चाहिए था फॉर्म। मैथ में बत्ती गुल है, अच्छा तो मैथ में बत्ती गुल है तो वो कर लो ना आप, अभी आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम आएंगे वो कर देना आप मैथ। बिल्कुल, अवॉर्ड का मतलब होता है टालना, वही अभी देखो अवॉर्ड, अवॉर्ड और अभी एक कौन सी मीनिंग आई थी, अभी थोड़ी देर पहले एक कौन सी मीनिंग आई थी, अभी थोड़ी देर पहले आया था इवेड और इल्यूड, ये मीनिंग बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। टाल जाना, भाग जाना, किसी चीज को अवॉइड करना, टाल जाना बचना, किसी चीज से बचना, टाल देना किसी चीज को, ओके। क्या हो जाएगा इसका, क्या ढूंढना है, सिनोनिम्स ढूंढना है ना, तो क्या हो जाएगा इंटेंसिफाई, किसी चीज को इंटेंसिफाई कर देना, वो नहीं होगा आपका, इंटेंसिफाई नहीं होगा तो ये आंसर इंटेंसिफाई नहीं हो जाएगा। वेवर मतलब हिलना, वेव बिल्कुल नहीं होगा। प्रिवेंट मतलब रोकथाम करना, बचाना किसी चीज को, बचना बिल्कुल। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या बन गया आपका, प्रिवेंट। आंसर क्या बन गया आपका, प्रिवेंट बन गया, ओके। आंसर आपका क्या बन गया, प्रिवेंट। आंसर आपका प्रिवेंट बन गया, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। टू रोम एमलेसली, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टू रोम एमलेसली, बिना किसी मतलब के, बिना किसी मतलब के घूमते रहना, बिना किसी मतलब के घूमते रहना, क्या बन जाएगा आपका, वॉन्डर मतलब वॉन्डर, इधर उधर क्या करना, घूमते रहना, वॉन्डरर, ये भी कैसे, घुमक्कड़, इसमें ER लगा दोगे, वॉन्डरर बन जाएगा, घुमक्कड़ बन जाएगा, वेरी गुड। मोनोलिथ मतलब होता है पत्थर का खंभा, ठीक है। पिलग्रिम का मतलब धर्म यात्री या तीर्थ यात्री, जो तीर्थ पे जाते हैं, किसी भी तीर्थ पे जाएं। माजरली आपको पता है, कंजूसी से, ओके। सिंगल स्टोन मोनोलिथ, यस सिंगल स्टोन मोनोलिथ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है इसको, देख लो। सुमित है सेड टू द असिस्टेंट, सेड टू है, ध्यान रखना ये सेड टू है, रिपोर्टेड स्पीच आपका सेड टू में है तो पास्ट में चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच आपका सेड टू है तो पास्ट में चेंज होगा, तो किसमें होगा, पास्ट में चेंज होगा तो कहां जाएगा आगे, इसको देखते हुए चलो क्या होगा आंसर। यहां देखो वाई आर यू है ना, तो पहले आपको वॉज ढूंढना है, वॉज यू, वॉज यू, यू तो छोड़ दो, यू किसी में चेंज होगा, लेकिन पहले आपको बस इतना ढूंढना है, वॉज में ढूंढना है, और बस ध्यान रखना कि सब्जेक्ट यहां और वर्ब यहां चला आएगा, तो बस इस चीज को देखना है। इज नहीं होगा, या तो आर, ये भी नहीं होगा, या तो ए होगा या सी होगा, तो पहली चीज सेड टू आस्क में नहीं बदलेगा, तो ये भी खत्म करो आप, बच गया एक ही आंसर आपका। और क्या होता है, इन्वर्जन इधर हो जाता है ना, सब्जेक्ट इधर वर्ब इधर, क्योंकि यहां पे जो आप इनडायरेक्ट जब बनाते हो तो वो आपका इनडायरेक्ट जो स्पीच बनता है वो हमेशा आपका क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में होता है, उसमें आप लास्ट में आप क्या नहीं लगाते, ओके वेरी गुड। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसा कोई है कि किसी को समझ में ना आ रहा हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आपको सिनोनिम्स देखने हैं। इसमें सिनोनिम्स क्या है, रैम्पेंट, रैम्पेंट मीनिंग बता चुका हूं मैं वोकैब की क्लास में, रैम्पेंट बता चुका हूं मैं, तो रैम्पेंट बता दो क्या हो जाएगा, रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, रैम्पेंट का मतलब होता है काबू में नहीं आना, काबू से बाहर, तेजी से फैलना, क्या हो जाता है आपका, तेजी से फैलना, मतलब एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, अधिक अधिक मात्रा में।
मैंने वो कैब की क्लास में ये बता रखा है, क्या हो जाएगा, तेजी में, तेजी से फैलना, एक्सेसिव, ओके वेरी गुड, एक्सेसिव। और बाकी इसलिए नहीं होगा, जेंटल मतलब सामान्य होता है, रेयर मतलब आपका दुर्लभ होगा, लिमिटेड मतलब सीमित, ये भी नहीं होगा। तो आंसर केवल आपका एक्सेसिव हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्सेसिव। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 से करते हैं। ये आपका क्या आ गया, ये आपका 21 to 25, ओके चलो, ये है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट किसके बारे में है, एक बार इसका क्विक आप, मैं 5 मिनट दे रहा हूं आपको, एक बार जरा इसको, 5 मिनट नहीं, 2 मिनट, 5 मिनट तो बहुत दे दिया मैंने, 2 मिनट दे रहा हूं मैं, एक बार इसको स्किम कर लो आप, इसको पढ़ लो। अभी ठीक दिख रहा है ना विवेक, अभी तो क्लियर दिख रहा होगा ना, एक बार इसको स्किम करो और देखो पैसेज किसके बारे में है, किसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में समझा रहा है, एक बार स्किम करो इसको। ओके वेरी गुड, चलो आंसर करो इसका। पढ़ रहे हो ना आप लोग, एक बार पढ़ लो फिर मुझे बताओ इसका कोर आइडिया क्या है, किसके बारे में है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द इरावडी, ओ मतलब इरावडी, इरावडी क्या है, ये आपका एक डॉल्फिन का क्या है, डॉल्फिन का एक स्पीसीज है, इज वन ऑफ द, आगे देखेंगे, स्पीसीज इनहैबिटिंग, जहां रहता है, कहां रहता है, इनहैबिटेट करता है, इनहैबिटेट मतलब क्या होता है, जहां रहता है। ओके क्या कहता है कि चिल्का, चिल्का कहां होता है, चिल्का कहां पे है, ओडिशा, ओडिशा ना है, ठीक है। ओवर द ईयर्स द लेक हैज बिकम अ सेफ हैवन फॉर द डॉल्फिन स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, जिसके डिस्ट्रीब्यूशन रेंज की बात करें तो आगे चलेंगे देखेंगे, प्रेजेंट एज हैज रिमेन्ड लिमिटेड टू एशिया, फ्रॉम चिल्का टू इंडोनेशिया, चिल्का से इंडोनेशिया के बारे में बात, इसके डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के बारे में बात कर रहा है। द मेन थ्रेट टू, ये जो आपका है ना इसका इरावडी, अब जो भी इसका देख लो ना, ठीक है बिल्कुल, इसको करेंगे डॉल्फिन आर बाय कैच इन गिलनेट्स, गिलनेट्स मतलब जानते हो क्या होता है, गिलनेट्स मतलब होता है ऐसा, ऐसी ऐसी मछली की जाल ना, जिसमें मछलियां क्या करते हैं, मछलियों को गलफड़े से फंसाते हों, वो ऐसी जाल की बात करेगा, ठीक है ना। पॉल्यूशन फ्रॉम गोल्ड माइनिंग एंड इलेक्ट्रोफिशिंग, इलेक्ट्रोफिशिंग, अच्छा इनके प्रिवेंशन की बात करी जा रही है। द ओडिशा हाई कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर दिया है क्या कि द स्टेट टू क्या करने के लिए, द डेमोलिशन ऑफ इलीगल प्रॉन, प्रॉन मतलब झींगा होता है पता है आपको, फॉर्म इन चिल्का लेक, ठीक है, टू डैश, ओके, द वेटलैंड इकोलॉजी, वेटलैंड मतलब जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं उनकी इकोलॉजी सिस्टम के लिए। इन एडिशन इलीगल फिशिंग, एक और चीज जोड़ते हुए क्या रहेगा, इलीगल फिशिंग इनक्लोजर्स वर आल्सो रिमूव्ड, इनको भी रिमूव किया गया, क्या है, इलीगल फिशिंग को रिमूव किया गया है, किसके आदेश पे, ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश पे, एज वेल एज टूरिज्म रिस्ट्रिक्शन इन 2020 ड्यू टू COVID-19 प्रोवाइडिंग अ डैश प्लेस फॉर डॉल्फिन। ओके डॉल्फिन के प्रिवेंशन के बारे में है, डॉल्फिन के प्रिवेंशन के बारे में, डॉल्फिन कहां पाई जाती है, ये जो इरावडी आपका, जो आपका एक आपका क्या है, एक डॉल्फिन की स्पीसीज है, उसके बारे में बताया गया है। चलो क्या पहला है, पहला ये है कि सेलेक्ट द मोस्ट, चलो ठीक है, नंबर वन में क्या आएगा आपका, ये नंबर 21 होगा, सॉरी नंबर 21 में क्या आएगा, स्लगिस फ्लैगशिप, अच्छा वन में आएगा, इधर से देखना है ना, स्लगिस फ्लैगशिप, स्लगिस का मतलब क्या होता है, पहले मैं मीनिंग बता दे रहा हूं, आगे आप करते चलना, स्लगिस का मतलब होता है आलसी, तो आलसी और सुस्त की बात तो करेगा नहीं। फ्लैगशिप का मतलब होता है वर्थ, वर्थ जो मुख्य हो, सर्वोत्तम हो, ट्रिफल, ट्रिफल का मतलब क्या होता है, ट्रिफल का मतलब है नादानी, क्या है नादानी या छोटा सा, छोटी सी बात, ट्रिफल, ट्रिफल हाँ छोटा, छोटा कर देते हैं छोटा, ट्रिफल। अब ध्यान दो, ट्रिफल का एक मैंने मीनिंग भी लिखा था, ट्रिवियल, ट्रिवियल, ठीक है,
वर्दलेस मतलब बेकार सा, तो देखो क्या होगा, कह रहा है कि द इरावडी डॉल्फिन इज वन ऑफ द क्या हो जाएगा स्पीसीज इनहैबिटिंग चिल्का लेक, वन ऑफ द क्या हो जाएगा, वन ऑफ द क्या हो जाएगा फ्लैगशिप, मुख्य रूप से वही होगा, वन ऑफ द मुख्य रूप से क्या होगा यहां पे। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि यहां पे बाय इन, अच्छा चलो आगे देखते हैं, प्रेपोजिशन देखना है इसमें, प्रेपोजिशन देखते हुए चलते हैं, क्या कह रहा है कि नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि 22 में, सॉरी 22 हाँ 22 के नंबर का देखेंगे, दूसरे में क्या बनेंगे, हेवन फॉर द ओवर द ईयर द लेक हैज बिकम अ सेफ हेवन फॉर द डॉल्फिन स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, अब देखो ध्यान दो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, तो यहां पे जब आओगे इसमें तो क्या कर दोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे, किस रेंज की बात करी, किस रेंज की बात करी जा रही है, तो यहां पे जब रेंज की बात करी जाएगी तो आपको पता है कि प्लेस के साथ एट प्रेपोजिशन लगता है, प्लेस के साथ एट प्रेपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जा रही है, एट प्रेजेंट आप यहां पे देख लो, अगर और भी नहीं पता तो एट प्रेजेंट कर दो इस चीज को, यहां से इस चीज को ले लो ना, एट प्रेजेंट has remained limited to Asia from Chilka to Indonesia. The main threat to इसका dolphins का क्या है, main threat है bycatch in gillnets pollution from gold mine electrofishing. चलो okay. The Odisha High Court has ordered state to the demolition. क्या कर रहा है, demolition कर रहा है, इसमें क्या है number 3 में क्या कर रहा है, Odisha High Court ने क्या आदेश दिया, Odisha High Court ने क्या आदेश दिया, क्या करने के बारे में आदेश दिया, टू क्या करने के बारे में आदेश दिया, टू क्या करने के बारे में, क्या शुरू करने के बारे में, टू इनिशिएट, वेरी गुड, टू इनिशिएट हो जाएगा, क्या टू इनिशिएट, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मुझे, हर पैसेजेस पे ये मीनिंग लगानी पड़ेगी तो ये सही होगा, ये थोड़ा बार बार उस पर भागना जाना सही नहीं लग रहा, तो टू इनिशिएट यहां पर आप रहेगा तो यहां पर आप आंसर जल्दी से फाइंड कर ले जाओगे, आप आंसर जल्दी से फाइंड कर ले जाओगे और ज्यादा बार बार उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 इसमें क्या है, रिस्टोर, रिस्टोर कर रहे हो, एबोलिश कर रहे हो, एबोलिश मतलब कानून का समापन, किसी चीज को नष्ट करना, हटा दो इसको, नेगलेक्ट, कीप और रिस्टोर, आंसर देखो क्या है, इलीगल प्रॉन्स फॉर्म चिल्का लेक, कह रहा है कि डेमोलिशन ऑफ इलीगल प्रॉन फॉर्म इन चिल्का लेक टू द वेट लैंड इकोलॉजी, टू वेट लैंड इकोलॉजी, टू वेट लैंड इकोलॉजी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा अगर मैं देखूं तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, टू रिस्टोर, हाँ बिल्कुल सही, रिस्टोर, बिल्कुल सही, रिस्टोर ही होगा, क्योंकि अबोलिश मतलब खत्म, नेगलेक्ट मतलब कीप मतलब रखना है, रिस्टोर कर देंगे, रिस्टोर करने के लिए यहां पे देख लो एक बार, आप एक बार फिर से देख लो, आप कह रहा है कि प्राण फॉर्मस इन चिल्का लेक क्या कर रहे हैं, टू रिस्टोर द वेटलैंड, वेटलैंड क्या, वेटलैंड के इकोलॉजी को रिस्टोर करने के लिए जो क्या ओडिशा हाई कोर्ट ने क्या कहा, ओडिशा हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द स्टेट टू, क्या हो जाएगा स्टेट टू द डेमोलिशन ऑफ, यहां पे चिल्का लेक के बारे में बात कर रहा है, चलो आगे देखते हैं, खत्म नहीं है, क्या है यहां पे, एज वेल एज टूरिज्म रिस्ट्रिक्शन इन 2020 ड्यू टू COVID-19 प्रोवाइडिंग अ डैश फॉर डॉल्फिन, COVID-19 में जो रिस्ट्रिक्शन किया गया था, किसका टूरिज्म का रिस्ट्रिक्शन किया गया था, वो प्रोवाइड किया किसके लिए, डॉल्फिन के लिए क्या प्रोवाइड किया, देखते हुए चलते हैं, क्या है आपका कि इनसिक्योर तो होगा नहीं, इनसिक्योर तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा आपका, इनसिक्योर नहीं होगा, रेकलेस मतलब लापरवाही, पॉजिटिव मीनिंग देनी है तो रेकलेस भी नहीं होगा, अनसेफ भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका, सी सेफर प्लेस, ओके बिल्कुल सेफर प्लेस कर देंगे इनको, बिल्कुल सही सेफर प्लेस कर देंगे, बहुत ही सही आंसर, आज का पेपर मॉडरेट था, ज्यादा टफ नहीं था, ज्यादा आसान नहीं था, आज का पेपर मॉडरेट सेक्शंस में था, आज के पूरे पेपर मॉडरेट सेक्शंस में है, ठीक है सभी लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, चलिए बाकी आप मेहनत करते रहें और बाकी सारी सारी चीजों को आप सॉल्व करते रहें, आप प्रिपरेशन जारी रखें, एग्जाम कभी भी हो, एग्जाम आपका हो तो उस टाइम पे, एग्जाम के उस टाइम पे आप प्रिपेयर्ड रहें, बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें कि आप तुरंत जाके क्या करें, फोड़ दें एग्जाम को, ओके बाकी आप प्रिपरेशन करते रहें, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए, बाकी कल मिलते हैं, कल के क्लास में मिलते हैं, कल नहीं परसों के क्लास में मिलते हैं, ओके चलो थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू सो मच, ओके।